आरुष पूछ रहा था कल कल क्या रोज रोज पूछ रहा था मम्मी कब बारिश होगा कब बारिश होगा। आज तो हो गया आज आज सुबह से ही 3 दिन बारिश होगा। हाँ सुबह से ही शाम तक बारिश हुआ है, खुला बिल्कुल नहीं है। इस टाइम खुला है, वो भी 6 बज रहे हैं शाम के, तो इस टाइम खुला तो हम लोग छत पे आए हैं। बाबू भी है अपना, खेल रहा है टहल रहा है, और मतलब दोनों हैं। वो नमकीन खा रहा है, ये सेवड़ा नमकीन घर पे बनाए थे तो वो खा रहा है। जल्दी आओ बेटा, यहाँ पे देखिए छोड़ दो इसको, ना बुलाओ गिर जाएगा। बैठो बैठो बेटा, हेलो हेलो आयुष लो। तो मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, इतना बारिश हुआ है ना कि मतलब धूप बिल्कुल नहीं निकला है। अब इस टाइम थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, निकल नहीं रहा मतलब डूब रहा है, तो वही दिख रहा है रेड रेड। क्या बेटा तो यहाँ पे देखिए चमेली भी आज कितना ज्यादा खिला है, इतना ज्यादा खुशबू आ रहा है ना, बहुत ही अच्छा खुशबू। यार इतना अच्छा इसका खुशबू लगता है ना, बहुत ही अच्छा महक इसका। अपने बाल में लगा लीजिए, महक सबको आएगा। लगा लेते हैं, डेली तो लगाते हैं, आते छत पे तो एक तोड़ के जरूर लगाते हैं। कल तो उसके पापा पूरा लाइन से चोटी चोटी है ना, ऐसे चोटी चोटी में गूंथ दिए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कितना अच्छा खेल रहा है, इतना बड़ा बड़ा खेल रहा है। इधर भी है, और यहाँ पे दिखाते हैं एक चीज आप लोग को, मिर्च है कितना अच्छा फरा है, थोड़ा रेड रेड हो गया। मम्मी बाल लगाए कि नहीं? लगाए बेटा, नहीं दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे हम लोग घर से निकल चुके हैं घूमने के लिए, पानी बतासा खाने के लिए। तो देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना अच्छा दिख रहा है ना पूरा, मतलब चारों तरफ पेड़ पेड़ जंगल जंगल जैसे, कितना अच्छा। और निकल चुके हैं, देखिए कहाँ जाते हैं, पानी बतासा खाएंगे और क्या क्या खाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा पहाड़ दिख रहा है, बहुत ही ऊँचा पहाड़ था, ज़्यादा देर तक जहाँ तक हम लोग देखे तहाँ तक दिखता ही ख़त्म ही नहीं हो रहा था उसका, जो पहाड़ जो दिख रहा है जैसे दिखते ही जा रहा था, बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा दिख रहा था ना सामने से तो और ही अच्छा दिख रहा था। देखिए कितना लंबा सफर है, चलते जाओ पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे रास्ते में लीची मिल गया था, बहुत ही मीठा, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा एकदम रसीला। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे, लीची खरीदे हैं और उसके बाद से खरीद के और सोचे हैं थोड़ा थोड़ा खा लो, थोड़ा का पूरा खा लिए, बस आयुष सोया था, आयुष के लिए बचा लिए थे और हम लोग तीनों लोग खा लिए थे, खाते खाते चल पड़े हैं। पहले तो रुक के थोड़ा बहुत खा लिए, उसके बाद से खाते खाते रास्ते में चलते जा रहे थे, बहुत ही मीठा था। आरुष यहाँ पे बोला था मम्मी सुपर बहुत ही मीठा है, यहाँ पे देखिए देखने में ही बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत महंगा पड़ा। यहाँ पे देखिए हम लोग जहाँ पे रुके हैं पीछे पहाड़ है बहुत ही बड़ा, और यहीं पे हम लोग पिकनिक कर रहे हैं, वो भी किस चीज का, लीची का। यहाँ पे लीची मिल गया है, बहुत ही अच्छा बहुत ही मीठा बड़ा बड़ा, ये देखिए कितना अच्छा गुड़, खा लीजिए देखो यार बुला रहा है, आइए खा लीजिए। यहाँ पे देखिए पहाड़ इतना अच्छा, ए तन पीछे एक बार देखिएगा, पीछे का देखे थे कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ऐसे दूर ऐसे कर के देखिए, ऐसे करिए पहाड़ों पे ऐसे तो लगेगा एकदम ऐसे। तो यहाँ पे देखिए लीची हम लोग का दिखाते हैं, बाबू तो मेरा सो गया है उसके लिए रखा जाएगा, तीन को तो
इतना बड़ा बड़ा लीची है ना, बहुत ही मीठा है। खाने जगह ना कोई लीची नहीं, एक रुक के खा लेते हैं उसके बाद से चलते हैं। खाते पी रहे हैं कि गाड़ी चलती भी रहेगी। देखिए कहाँ जाना, घर से तो निकल गए हैं, वैसे ही चलो घूमा जाए। पानी बतासा खाने, लेकिन पानी बतासा तो नहीं मिला, लीची मिल गया। पापा मॉल को देखना चाहिए, यहाँ पे लीची मिलता नहीं है। पिछले साल भी एक बार हम लोग को ऐसे चलते चलते लीची मिल गया था, तो पिछले साल भी ऐसे 400 रुपया किलो था, तो उस बार भी आधा किलो लिए थे और इस बार भी मिल गया, इस बार भी आधा किलो ले लिए। और यहाँ पे लीची मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन महंगा मिलता है। अपने तरफ तो 100 रुपया किलो, 150 रुपया किलो, यहाँ पे तो ये 400 रुपया किलो। लेकिन अपने वहां से यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता, मीठा बड़ा बड़ा। यहाँ पे देखिए बाबू मेरा सो के उठ गया, मैं भी, और मैं भी सो रहा हूँ। हम लोग पार्क में आए हैं, पार्क थोड़ी है, वहाँ पे पार्क है, देखो पार्क है। अभी 4:30 हो रहा, तो थोड़ा इंतजार करते हैं, पार्क में घूमे, बहुत बड़ा पार्क है। तो तब तक पानी बतासा खाए हैं। कौन पार्क मम्मी? की मम्मी कौन पार्क, जल्दी बताइए। वो रहा सामने जो दिख रहा है, राइट। और पानी बतासा बहुत तीखा है, बहुत तीखा। अरे तो चाट, गर्मा गर्म चाट है, खाने पे और तीखा लग रहा है। इनको तो सादा सादा ये दिए हैं, ये खा रहा, लो लो बेटा। हाँ, और उसके पापा यहाँ गन्ने के जूस लाने गए हैं, गन्ना का जूस आरुष के लिए। आरुष नहीं खाया है ना, आरुष पानी बतासा नहीं खाया, इसलिए इसके लिए गन्ने का जूस आ रहा है। बहुत स्पीड, गिर जाएगा, तुम मत कुछ करो। पूरा मुंह में डाल के, अरे अभी वो खा रहा है ना, तो उसका वो फेवरेट अभी हुआ है। पी लो जूस बेटा, जूस पी लो, जो तुम मुझसे छीनते हो। ए स्वाद आ गया, लो तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो आरुष और उसके पापा कौन वाले आइसक्रीम, और हम अपने लिए बादाम शेक, बादाम मतलब मिल्क शेक मंगवाए हैं। तो आरुष अपना दिखा रहा है, यहाँ पे आवाज़ म्यूट करना पड़ा क्योंकि मतलब गाना चल रहा था, तो गाना चलेगा तो भैया कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए हम लोग को मतलब बंद करना पड़ा आवाज़। और यहाँ पे देखिए मतलब आरुष हमको खिला रहा था, मम्मी मेरा खा के देखो, हम कहें अच्छा है, तो हम पिए बादाम मिल्क शेक, बहुत ही टेस्टी था। तो आरुष को हम बोले पीने के लिए, यहाँ पे हम बोले बहुत ही अच्छा है, तो आरुष पिया, आरुष को अच्छा नहीं लगा, उसको अच्छा चीज़ अच्छा नहीं लगता है। बोला अच्छा नहीं है, तो हम पिए हैं। उसके बाद से आरुष को पापा को दिए हैं पीने के लिए, लीजिए पी लीजिए, करें पियो पियो गए नहीं पीजिए, तो लिए हैं, पी रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे सब कोई आइसक्रीम खा रहा है, बाबू को भी हमने अपना मतलब बादाम मिल्क से थोड़ा सा पिलाया है, उसको भी अच्छा नहीं लगा, बच्चे को अच्छा चीज़ अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा बहुत पिला दिए हैं। और वो आइसक्रीम के लिए मतलब एकदम पीछे पड़ा था आइसक्रीम खाने के लिए, तो थोड़ा बहुत चटाया गया उसको, और अपना हम थोड़ा बहुत पिलाए हैं, 1-2 घोट पिलाए हैं। और उसके बाद से देखिए एकदम आइसक्रीम के पीछे, अपने पापा के पीछे पड़ा है खाने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पार्क में आ गए हैं,
तो बच्चे झूला झूलेंगे, आरुष आयुष दोनों। यहाँ पे पार्क बहुत ही अच्छा है, एकदम साफ और पूरा हरियाली हरियाली। यहाँ पे देखिए आरुष गया और आयुष है ना, आयुष आयुष भी अभी झूलेगा, आप देखिएगा इस वाले पे आयुष। काफ़ी अच्छा पार्क है यहाँ पे बच्चों का खेलने के लिए, स्केटिंग भी सिखाया जाता है। यहाँ पे देखिए आरुष आ गया, इस पर बैठने देख रहा बाबू, इस पर बैठ के झूला, तो वो भी आ गया इसी पे। यहाँ ये काफी घर से दूर है पार्क, घर के पास मतलब नियर बाय में कहीं पार्क नहीं है। हाँ चलो, उसी पे एक बार हम किए थे। मम्मी चलिए कार की दिखा दिए, वो दीजिए हमको बताओ दीजिए। रुको बेटा, आयुष वही चले जाओ ना, अभी खाली दौड़ के भाग जाओ जाओ जाओ। हाँ लाइन सबको लगा, देख नहीं रहो जैसे खाली हो रहा है ऐसे सब जा रहे हैं, जाओ। हाँ चलाओ ना घर का, उधर से जाओ चलाओ तो। हाँ हाँ आयुष हाय, देखो आरुष, गुड सुपर। आयुष आरुष आरुष तो चलिए ना घर ही चलना है ना। मम्मी ये देखिए, देखो बॉडी, ये कितने दिन करने में बॉडी बन गया।